हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एंड दोस्तों, जो भी आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है किया कैरन। एंड दोस्तों, ये उसका सेकंड बेस मॉडल है एंड इसका नाम है प्रेस्टीज के नाम से आता है। सो दोस्तों, बात की जाए इस कार के बारे में, इसमें आता है आपका 1.5 लीटर का डीजल इंजन। एंड दोस्तों, ये आपकी टॉप मोस्ट सेलिंग कार है किया में। एंड इसका वेटिंग पीरियड दोस्तों आराम से 6 से 7 महीने का इसका वेटिंग पीरियड मिलता है। सो दोस्तों, बात करते हैं इस कार के बारे में। सो दोस्तों, अगर इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो उसकी लेंथ मिलती है आपको 4540 mm की, विड्थ मिलती है 1800 mm की, एंड वहीं हाइट की बात करें तो 1708 mm की इसकी हाइट मिलती है। सो दोस्तों, अगर इसकी व्हील बेस की बात करते हैं तो अपने सेगमेंट में 2780 mm का इसमें व्हील बेस आपको मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा व्हील बेस है। एंड दोस्तों, बात की जाए इस गाड़ी की तो इसमें आपको दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 195 mm का। वहीं दोस्तों, अगर सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है EBD, TCS, TPM, 6 एयरबैग, ABS एंड तमाम दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर इस गाड़ी में मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, किया कैरेंस के अगर फ्रंट फेशिया की बात की जाए तो सेंटर में आपको मिलता है दोस्तों किया का लोगो। एंड जस्ट उसी के नीचे दोस्तों आपको जो ग्रिल मिलती है वो आपको डायमंड में मिल जाती है। एंड उसी के साथ आपको क्रोम एलिमेंट मिल जाता है दोस्तों, कुछ इस टाइप का। सो दोस्तों, अगर इसके DRLs की बात की जाए तो वो आपको दोस्तों यहाँ आपको DRLs मिल जाते हैं, कंप्लीट DRLs हैं। एंड नीचे आते हैं तो दोस्तों आपको इसमें हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जो कि आपका हेलोजन में आता है विथ रिफ्लेक्टर, एंड वहीं इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है आपको। एंड दोस्तों, इसमें आपको कोई भी फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड अगर फ्रंट की बात की जाए तो आपको दोस्तों इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 3। एंड अगर दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इसमें सिल्वर का पार्ट मिल जाता है, कुछ कंप्लीट राउंड शेप में, कुछ इस टाइप से मिलता है। एंड अगर दोस्तों इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो आपको कंपनी 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करवाती है। सो दोस्तों, अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी काफ़ी लंबी है, 7 सीटर में आती है एंड 4550 mm की इसकी लेंथ आती है। सो दोस्तों, अगर टायर साइज की बात करते हैं तो आपको 205/65 R16 का टायर साइज मिल जाता है विथ स्टील रिम एंड विथ कैप। सो कुछ इस टाइप का आपको उसमें टायर मिलता है। ORVM की बात की जाए दोस्तों तो वो आपको बॉडी कलर मिल जाता है एंड ऑटो फोल्डेबल विथ टर्न इंडिकेटर। फ्रंट में आपको दोस्तों 2 वाइपर मिल जाते हैं कि दोस्तों आपको रूफ रेल भी मिल जाती है। कुछ इस टाइप से गाड़ी का लुक आप देख लीजिए। एंड चलते हैं दोस्तों बैक प्रोफाइल पे। सो गाड़ी की बैक प्रोफाइल चेक करते हैं आपको क्या क्या इसमें चीज़ मिल जाती है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं बैक प्रोफाइल कुछ इस टाइप की है। यहाँ पर दोस्तों आपको टेल लाइट यूनिट मिल जाती है जो कि आपकी कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट है फ्रॉम A to B, कुछ इस टाइप से कंपनी ने प्रोवाइड की गई है। वहीं नीचे आपको इंडिकेटर सब कुछ दिया गया है। बीच में दोस्तों आपको किया का लोगो दिया गया है एंड नीचे दोस्तों आपको कैरेंस की बैजिंग दी गई है। यहाँ दोस्तों आपको ग्लास की बात करते हैं तो बिल्कुल प्लेन ग्लास है, ना डिफॉगर मिलेगा ना वाइपर मिलेगा। ऊपर आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट मिल जाती है, उसके ऊपर दोस्तों सार्फिन एंटीना मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको दोस्तों कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है कुछ इस टाइप से। एंड नीचे बम्पर की बात करें दोस्तों तो बम्पर में दोस्तों आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं एंड उसी के साथ दोस्तों आपको उसमें सिल्वर पार्ट मिल जाता है एंड उसी के साथ आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। सो बूट स्पेस की बात करते हैं दोस्तों तो एक बार टेल गेट ओपन करके देखते हैं कि आपको कितना बूट स्पेस मिल जाता है। सो दोस्तों, जो आपको टेल गेट मिलता है वो आपको मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। एंड बूट स्पेस की बात की जाए तो कुछ इस टाइप का आपको उसमें बूट स्पेस मिल जाता है, यानी 216 लीटर का आपको उसमें बूट स्पेस मिल जाता है दोस्तों। एंड बात की जाए दोस्तों तो आपको साइड में एक लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर इस सीट को आप फोल्ड करते हैं तो आपके पास बहुत सारा बूट स्पेस अवेलेबल हो जाएगा इस डोर को खींचने के बाद। एंड ये आपकी सीट कुछ इस टाइप से फोल्ड हो जाती है, आप दोनों सीटों को फोल्ड आराम से कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके बाद आपको जो बूट स्पेस आता है वो 645 लीटर का आपका बूट स्पेस आता है। एंड दोस्तों, अगर आप इसकी सेकेंड रो को भी फोल्ड करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके पास 1164 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको टूल्स वगैरह की प्लेसमेंट दी गई है कुछ इस टाइप से। एंड अगर स्टेपनी व्हील की बात करें दोस्तों तो वो आपको यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी स्टेपनी व्हील की, वो दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे आप तो यहाँ आपको स्टेपनी व्हील की प्लेसमेंट दी गई है। एंड ये आपका सेम साइज का टायर है जो आपके लग के आता है, यानी 205/65 R16 का स्टील रिम वाला सेम टायर साइज है। सो कुछ इस टाइप की थी दोस्तों इसकी बैक प्रोफाइल। तो दोस्तों, बात की जाए पीछे वाले गेट की तो आप गेट देख लीजिए, आपको इसमें ड्यूल टाइप का इंटीरियर मिल जाता है बेज एंड ब्लैक कलर में। सो ये आपका हार्ड प्लास्टिक में, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। एंड दोस्तों, बात की जाए आपकी पावर विंडो है, ये आपका पूरा सिल्वर फिनिश में दिया गया है कुछ इस टाइप से। नीचे आपको बोतल स्पेस दिया गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। एंड ये आपकी सेकंड रो है, सेकंड रो की बात की जाए कुछ इस टाइप की आपको सेकंड रो मिल जाती है।
तो सेकंड रो में काफ़ी अच्छी दोस्तों सेकंड रो बैठने की सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी में। एंड जो स्पेस की बात की जाए दोस्तों, स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है गाड़ी में। सो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से स्पेस दिया गया है गाड़ी में। तो चलिए गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं एक बार गाड़ी कैसी है। तो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी की सेकंड रो में। एंड दोस्तों सीट की बात की जाए तो 60-40 सीट आपकी स्प्लिट हो जाती है। एंड अगर हेडरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। एंड दोस्तों सेंटर में आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड इसमें अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको इसमें आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता है। टोल्स एंड एसी वेंट दोस्तों आपको यहाँ दिया गया है कुछ इस टाइप से। ये आपकी रीडिंग लैंप्स दी गई हैं। एंड एसी वेंट्स का कंट्रोल दोस्तों यहाँ दिया गया है। नीचे आपको दो सी टाइप के चार्जर मिल जाते हैं। सो यहाँ कुछ स्पेस दी गई है। गाड़ी काफ़ी अच्छी दोस्तों देखने में। एंड सिटिंग भी बहुत अच्छी है। 7-सीटर गाड़ी है। बेस्ट, वेरी बेस्ट कार है दोस्तों अपने सेगमेंट में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पीछे वाली सीट पे एंड बात करते हैं पीछे वाली सीट में बैठ के कि इसका कंफर्ट कैसा है एक बार। सो पीछे वाली सीट आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप की पीछे वाली सीट मिल जाती है। एंड अगर पीछे वाली सीट की हेडरेस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो वो भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा पीछे वाली सीट में भी। एंड चलिए पीछे वाली सीट पर चलते हैं एक बार दोस्तों। अगर चलते हैं इसकी पीछे वाली तीसरी रो पे, तो तीसरी रो आपको अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको दोस्तों कुछ इस टाइप से इसको लीवर का से फोल्ड करना पड़ेगा। इस टाइप से ये आपकी टंबल हो जाएगी कुछ इस टाइप से। एंड अगर देखी जाए जगह, तो आपको स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है अंदर घुसने के लिए। आराम से एक बड़ा इंसान, मोटा इंसान मेरी तरह, वो भी आराम से घुस सकता है कुछ इस टाइप से। सो मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए आप अंदर जा सकते हैं कुछ इस टाइप से जाएंगे अंदर। एंड ये वाली सीट फोल्ड फोल्ड कर देते हैं। ये आपको रिक्लाइनिंग मिल जाती है दोस्तों, तीसरी वाली आपको सीट मिल जाएगी रिक्लाइनिंग, ऊपर से लेबर खींचने पर। तो रिक्लाइनिंग एंगल कुछ इस टाइप का है दोस्तों। एंड अगर कंफर्ट की बात की जाए पीछे वाली, तो थाई सपोर्ट तो थोड़ा सा कम है, बट गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एंड पीछे बच्चे तो आराम से, दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, कुछ इस टाइप से बच्चे बैठ सकते हैं। तो पीछे की बात की जाए तो आपको इधर कुछ स्पेस मिल जाएगा मोबाइल रखने के लिए। एंड वहीं दोस्तों आपको एक सी टाइप का चार्जर मिल जाता है। एंड दूसरी टाइप बात करें दोस्तों, दूसरी साइड, तो यहाँ भी आपको सी टाइप का चार्जर मिल जाता है, कुछ स्पेस मिल जाती है। एंड अगर ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो आपको यहाँ वेंट की प्लेसमेंट मिल जाती है दोनों साइड। एंड यहीं दोस्तों आपको रीडिंग लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी दोस्तों देखने में। एंड काफ़ी जगह है गाड़ी में, 7-सीटर के हिसाब से बेस्ट इन सेगमेंट कार है दोस्तों। गाड़ी किया कैरेंस का है, सेकेंड मॉडल है प्रेस्टीज, एंड बहुत शानदार गाड़ी है। एंड बूट स्पेस की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ आपका उसमें बूट स्पेस मिल जाता है। तो चलिए चलते। तो दोस्तों गाड़ी है आपकी किया कैरेंस एंड बेस मॉडल। इसके ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए, तो आपको इसमें ड्यूल कलर का मिल जाता है, बेज एंड ब्लैक कलर का। आप देख लीजिए एक बार, सारे आपको पावर कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, पावर विंडो वगैरह के, ऑटोमेटिक सेट करने के लिए, रियर व्यू मिरर सेट करने के लिए, इनको यहाँ से फोल्ड करने के लिए, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, साइड लॉक वगैरह। एंड ये दोस्तों आपका हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। ये आपका दोस्तों सिल्वर में है। एंड स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल स्पेस वगैरह कुछ इस टाइप का दिया गया है, आप देख लीजिए। काफ़ी शानदार तरीके से इसको मैनेज किया गया है। एंड इंटीरियर दोस्तों बहुत ही शानदार दिया गया है गाड़ी का, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों सीट हाइट की बात की जाए, तो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा सीट हाइट को इस टाइप से। एंड दोस्तों सीट आपको लेदर सीट्स नहीं मिलती हैं, आपको नॉर्मल सीट मिलेंगी आपको फैब्रिक में, बट कुशनिंग काफ़ी अच्छी है एंड सॉफ्ट है सीट कुछ इस टाइप से। स्टीयरिंग की बात कीजिए, बीच में आपको किया का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह, मोड वगैरह, कॉल पिकअप एंड कॉल ड्रॉप का। राइट साइड में आपको दोस्तों क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, बाकी आपको मेन्यू के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। एंड बात की जाए स्टीयरिंग की, तो दोस्तों आपको इसमें स्टीयरिंग लेदर रैप नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्टीयरिंग रिम मिलेगा आपको। सो बात की जाए दोस्तों अगर इसके डैशबोर्ड की, आप देख लीजिए डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में दोस्तों आपको टच स्क्रीन मिलती है। एंड ये कितने इंच की है मैं आपको मेंशन कर दूंगा। सो यहाँ पर बाकी आपको वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल्स वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं दोस्तों। एंड अगर एसी की बात की जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से, प्लेसमेंट की गई है एसी वेंट की प्लेसमेंट।
इधर आपकी एसी वेंट की प्लेसमेंट की गई है, बीच में आपको हजार्ड का ऑप्शन दिया गया है। एंड दोस्तों अगर एसी की बात की जाए तो वो आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी नहीं है दोस्तों ये। एंड यहीं आपको दोस्तों कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सर्कुलेटर वगैरह ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ दिए गए। एंड अगर दोस्तों यहाँ के बात करते हैं नीचे, तो आपको इधर कुछ कंट्रोल्स वगैरह दिए गए। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ आपको 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, सी टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। एंड दोस्तों यहाँ देखा जाए तो यूएसबी का आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको दोस्तों पार्किंग से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड अगर आप टॉप मॉडल लेते तो आपको पूरे कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। एंड दोस्तों ये कंट्रोल आपका हिल डाउन का है, कंट्रोल दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस दी गई है। गाड़ी की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल कार है। एंड ये आपका ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है दोस्तों, एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ आपको दोस्तों कप स्पेस मिल जाता है, हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट में आपको दोस्तों स्पेस कुछ इस टाइप का है, आप देख लीजिए ओपन आर्मरेस्ट है। एंड ये आपका स्लाइडेबल नहीं है आर्मरेस्ट। तो दोस्तों बात की जाए इंटीरियर की, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये आपको लग रहा होगा फैब्रिक है, बट ये आपका फैब्रिक में नहीं है, नॉर्मल आपका प्लास्टिक में, बट टेक्सचर दिया गया है। एंड यहीं दोस्तों आपके एसी वेंट की पूरी प्लेसमेंट वहाँ तक गई है। ये बात की जाए दोस्तों तो आपको ये कप ग्लास होल्डर दिया गया है कुछ इस टाइप से। एंड अगर दोस्तों बात की जाए ग्लव बॉक्स की, तो नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है। एंड ये आपको सिल्वर फिनिश पूरा मिल जाता है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक जाता है। एंड ये कंटिन्यू करता है ऐसे, वहाँ तक कंटिन्यू करेगा। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से। एंड अगर यहाँ के बात करते हैं तो आपको की फॉब ऐसी मिलेगी, यही आपको लगाने वाली की फॉब मिलेगी दोस्तों। यहीं दोस्तों आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलाइट डेवलपर यूनिट मिल जाता है। एंड यहीं दोस्तों आपको इसमें ये मिल जाएगा आपको कॉइन वॉइन रखने के लिए, तो ये जगह दी गई है। सो गाड़ी देख लीजिए, मैनुअल कार है दोस्तों कुछ इस टाइप से। एंड आपका 7 सीटर वेरियंट है, सो देख लीजिए आप एक बार। एंड अगर दोस्तों सनराइजर की बात करते हैं ना, तो आपको इसमें वैनिटी मिरर मिल जाता है। ड्राइवर साइड में दोस्तों आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स वगैरह मिल जाती हैं। सो कुछ इस टाइप से गाड़ी है। इंटीरियर तो दोस्तों बहुत अच्छा है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स बात की जाए इसके इंजन की, तो बोनट ओपन करके देखते हैं कि आप इंजन वेग किस टाइप का है। सो दोस्तों देख लीजिए, आपको इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 114 BHP। एंड दोस्तों 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो जो कंपनी इसमें माइलेज क्लेम करती है दोस्तों, वो 21 km/L का माइलेज क्लेम करती है। एंड अराउंड दोस्तों ये सिटी में आपको 14-15 का एवरेज आराम से दे देती है गाड़ी। सो कुछ इस टाइप से था दोस्तों इसका कैरेंस का इंजन वे, देख लीजिए आप। एंड अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।